इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ धर्मशाला, मैक्लोडगंज और पालमपुर ट्रिप के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज कैसे जा सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। अगर आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज आ रहे हैं तो इसी के पास एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है पालमपुर, तो मैं आपको वहाँ के बारे में भी बताऊंगी कि आप वहाँ कहाँ रह सकते हैं और कहाँ घूम सकते हैं। और ये वीडियो होने वाला है बजट ट्रिप पर। अगर आप दिल्ली से धर्मशाला यह मैक्लोडगंज जाना चाहते हैं तो कश्मीरी गेट ICBT से पूरे दिन वहां के लिए बसें चलती हैं। इसके अलावा दिल्ली से धर्मशाला के लिए वॉल्वो बसेस भी बुक कर सकते हैं। एक नोट करने लायक बात यह है कि आप कहीं से भी मैक्लोडगंज के लिए आ रहे हों, अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस केवल धर्मशाला बस स्टैंड तक ही जाती है। आगे आपको धर्मशाला से मैक्लोडगंज 10 किलोमीटर शेयरिंग टैक्सी या HRTC की छोटी लोकल बस से ही जाना पड़ता है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज दोनों ही जगह में काफी होटल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप मैक्लोडगंज में रुकना प्रेफर कर सकते हैं। मैक्लोडगंज धर्मशाला से हाइट में होने के कारण मैक्लोडगंज से व्यूज काफी अच्छे दिखते हैं। इसके साथ ही काफी अच्छे अच्छे कैफेज के साथ साथ यहाँ आसपास घूमने के लिए भी इजी रहता है। तो ये है मेरा होटल रूम। ये मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर मार्केट है जो वहीं पे है, और सारे शॉप्स रेस्टोरेंट यहाँ से एक्सेसिबल हैं। जितने भी यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ से पास ही हैं। थोड़ी सी दूर 400-500 मीटर दूर यहाँ से बस स्टैंड है, जहाँ से आप जो है धर्मशाला या फिर बाकी जगह जा सकते हैं। रूम छोटा ही है पर ठीक है, 800 रुपए में वर्थ है रूम, क्योंकि ये ऐसे ही रूम मैं बाकी भी देख रही थी मार्केट में तो 1500 के मिल रहे थे, तो उस हिसाब से मुझे ये रूम ठीक लगा। अब मैं आपको थोड़ा रूम दिखा देती हूँ। ये है छोटी सी बालकनी, और बालकनी से सीधा आपको दिखेगा कालचक्र मंदिर। ये है मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर मार्केट, जो कि मैक्लोडगंज का मेन चौक है। तो यहाँ पे 800 रुपए में जब रूम मिला तो मैं तो बहुत खुश हो गई। अब सवाल आता है कि अगर आप मैक्लोडगंज ठहरे हैं तो आप सबसे पहले कहाँ घूम सकते हैं? तो सबसे पहले आप घूम सकते हैं भागसू वाटरफॉल, जो कि मैक्लोडगंज मार्केट से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। ये है रास्ता भागसू वाटरफॉल का, और यहाँ से आपको थोड़ी सी झलकी दिख रही होगी फॉल की। भागसू वाटरफॉल की अगर हाइट की बात करें तो लगभग 20 मीटर की हाइट से गिरता है, और ये यहाँ का एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। भागसू नाग वाटरफॉल के 1 किलोमीटर पहले ही है भागसू नाग मंदिर। सुबह के अभी बज रहे हैं 7, और मैं जा रही हूँ आज की मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन में, जो है भागसू नाग टेम्पल। ये बहुत ही पुराना टेम्पल है जो भगवान शिव और यहाँ के स्थानीय देवता नाग देवता को समर्पित है। मैक्लोडगंज का ये फेमस मंदिर यहाँ के मेन अट्रैक्शन में से एक है। मंदिर के ठीक नीचे एक फ्रेश जल का कुंड भी है, और उसी से लगकर एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है, तो आप यहां आकर पूजा पाठ से पहले या बाद में स्विमिंग भी कर सकते हैं। मैक्लोडगंज के टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में अगला नाम आता है नामग्याल मॉनेस्ट्री का। तो मैं पहुंच चुकी हूं नामग्याल मठ। अभी मैं परिसर के अंदर ही हूं, मंदिर परिसर के, और मेरे पीछे आपको दिख रही होगी बुद्धा की एक बड़ी सी प्रतिमा। वो एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं बुद्धा, और उसके आसपास देखिए अलग अलग जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं। नामग्याल मठ यहाँ के बुद्धिस्ट मठों में सबसे बड़ा है, और हजारों लोग यहाँ हर हफ्ते आते हैं। ये मंदिर सबसे बड़े तिब्बती मंदिरों में से एक है,
और इसे दलाई लामा का निजी मठ भी कहा जाता है। इसकी नींव 16वीं शताब्दी के दौरान दूसरे दलाई लामा ने रखी थी। अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन आता है डल लेक, जो मैक्लोडगंज स्क्वायर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। तो मैं पहुंच गई हूँ डल लेक। ये आप मेरे साइड में देख सकते हैं, डल लेक है। और यहाँ मैं आई ऑटो से, वहाँ से मैक्लोडगंज मार्केट से यहाँ डल लेक तक की दूरी है लगभग 3.5 किलोमीटर। और मैक्लोडगंज से मैं यहाँ तक ऑटो में आई हूँ, जिसका चार्ज था 100 रुपये। तो 100 रुपये में वो आपको यहाँ डल लेक तक पहुँचा देते। तो तीसरी डेस्टिनेशन आप घूम सकते हैं डल लेक, जो कि मैक्लोडगंज मार्केट से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। और उसी डल लेक के पास एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, तो आप वहां भी दर्शन करने जा सकते हैं। मैक्लोडगंज स्क्वायर से 1 किलोमीटर दूर है जॉन द वाइल्डर नेस्ट चर्च, जो मैक्लोडगंज के मेन टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। तो मैं पहुंच चुकी हूं सेंट जॉन इन द वाइल्डर नेस्ट चर्च पे। ये इसका एंट्री पॉइंट है, यहां से आप एंट्री करते हैं। मैक्लोडगंज ट्रिप मैक्लोडगंज मार्केट के घूमे बगैर कैसे पूरा हो सकता है? चाहे वहाँ शॉपिंग हो या डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के कैफेज और रेस्टोरेंट। तो ये है शाम की चहल पहल मैक्लोडगंज मार्केट की। मैक्लोडगंज के इस मार्केट की वाइब आपको एक अलग ही पॉजिटिविटी देती। तो शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह है मैक्लोडगंज की ये टेम्पल रोड मार्केट। तो यहाँ आपको गर्म कपड़े, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, डेकोरेशन की चीज़ें, सब कुछ जो है मिल जाएगा। तो टेम्पल रोड मार्केट बेस्ट है शॉपिंग के लिए। मैक्लोडगंज के बाद अब आते हैं धर्मशाला और देखते हैं यहाँ के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस। और इनमें सबसे पहले आता है धर्मशाला का फेमस क्रिकेट स्टेडियम। तो मैं आ गई हूँ स्टेडियम के एंट्री पॉइंट पे, ये है गेट नंबर 4। मैंने यहाँ से टिकट ले लिया है, 30 रुपये का टिकट है। और अब करते हैं अंदर एंट्री। यहाँ स्टैंड से लेकर डगआउट तक पब्लिक के लिए अलग अलग कलर की चेयर्स लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, येलो कलर की, ब्लू, वाइट कलर, ग्रीन कलर। तो जब भी आप धर्मशाला जाएं, यहाँ के क्रिकेट स्टेडियम जाना ना भूलें। धर्मशाला स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर मेन रोड पर ही है धर्मशाला का नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो है धर्मशाला का वार मेमोरियल। ये वार मेमोरियल धर्मशाला की खास जगहों में से एक है। ये हिमाचल के उन वीर शहीदों की याद में बनाया गया है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो मैं पहुंच चुकी हूं वार मेमोरियल। यहां से आगे से एंट्री होती है मेन गेट पे, और यहां का चार्ज होता है पर पर्सन 20 रुपीज। बड़ा सा भारत का मैप बना है, पूरे पत्थरों का बना है, और अलग अलग जगहों को अलग अलग कलरों से दर्शाया गया है। पत्थरों पे ही जो है अलग अलग रंग किए गए हैं। अगर आप मैक्लोडगंज धर्मशाला घूमने आ रहे हैं, तो एक जगह जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, वो है भारत के सबसे बड़े और पुराने किलों में से एक, कांगड़ा फोर्ट। तो मैं जा रही हूँ कांगड़ा फोर्ट, जो कि कांगड़ा जिले की एक ऐतिहासिक जगह है। अगर आप कांगड़ा फोर्ट विजिट कर रहे हैं और मैक्लोडगंज में ठहरे हैं, तो आपको सबसे पहले वहां से धर्मशाला बस स्टैंड आना होगा। धर्मशाला बस स्टैंड के लिए लोकल बसेस लगी रहती है मैक्लोडगंज से, और फिर आपको धर्मशाला बस स्टैंड से कांगड़ा के लिए बस लेनी है। और जब एक बार आप बस में बैठ जाते हैं, तब आप उतरते हैं कांगड़ा के बस स्टैंड, और फिर कांगड़ा बस स्टैंड से आपको तीसरी बस लेनी होती है, जो कि उतारती है आपको पुराना कांगड़ा। और पुराना कांगड़ा से उतरकर बस 500 मीटर की दूरी पर है कांगड़ा फोर्ट।
और यहाँ से जो है एंट्री हो जाती है कांगड़ा फोर्ट के लिए, वो वहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट लेना होता है, जिसका चार्ज है 25 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ किले के अंदर की दीवारों पर आप देख सकते हैं नक्काशी की गई है, अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलेंगे जो कि उन्होंने पत्थरों पे उकेरे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं जो डिज़ाइन। कांगड़ा फोर्ट की विजिट की एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैक्लोडगंज में घूमने के अलावा आप वहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैफेज का एक्सपीरियंस भी इंजॉय कर सकते हैं। ऑथेंटिक तिब्बतियन फूड के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। अपने मैक्लोडगंज के ट्रिप में मैंने भी कई अच्छे कैफेज ट्राई किए। तो भागसु वाटरफॉल और भागसु नाग टेम्पल के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ यहाँ अपना ब्रेकफास्ट करने एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है निक्स इटालियन किचन। और मैंने ऑर्डर किया है एक मसाला टी और साथ में एक पनीर पराठा और एक मिक्स वेज पराठा। फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है लगभग 25-30 मिनट के बाद, और उम्मीद है कि वर्थ हो ये टाइम। ये रहा मिक्स वेज पराठा, साथ में है दही और मिक्स अचार, ये है पनीर पराठा और इसके साथ भी दही और अचार है, और साथ में है मेरी मसाला चाय। सब टेस्ट करते सही टेस्ट है। अब सिर्फ पराठा खा के देखती हूँ क्योंकि टेस्ट का पता नहीं चल रहा दही के साथ। अच्छा टेस्ट है। अब टेस्ट करती हूँ पनीर पराठा। पनीर पराठा ज़्यादा टेस्टी है। आज है मेरी पहली मॉर्निंग मैक्लोडगंज में और मैं ब्रेकफास्ट करने आई हूँ होटल स्नो लाइन में। ये तिब्बतियन फूड के लिए स्पेशली जो है एक अच्छा ऑप्शन है, और मैंने ऑर्डर किया है मसाला टी और साथ में तिब्बतियन डिश थुक्पा और उसके साथ सैंडविच। तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है। तो मेरा होलसम ब्रेकफास्ट आ चुका है, ये है मसाला टी, उसके साथ है तिब्बतियन सैंडविच और साथ में है स्पेशल थुक्पा। थोड़ी देर में आया है लेकिन फ्रेशली मेड है सब कुछ, तो साथ में सैलेड भी दिया है। माइंड डॉक्टर, माय फ्रेंड दैट्स विद मी इज अ नर्स लाइक अ रेगुलर डॉक्टर। ये जो साथ में सैलेड दिया है एकदम फ्रेश है, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ शायद थोड़ा बहुत चाट मसाला मिला है, बाकी एकदम फ्रेश है। ये तिब्बतियन ब्रेड फ्रेशली मेड। अब ट्राई करते हैं थुक्पा। थुक्पा जो है नेपाली और तिब्बतियन फूड है, ये होते हैं सूपी नूडल्स और साथ में ढेर सारा वेजीज। गरम है अभी। तो मैं वापस आ गई हूँ मैक्लोडगंज मार्केट, और मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर के पास ही है हंग्री बर्ड रेस्टोरेंट, जहाँ की आज मेरा लंच है। और मैं यहाँ पे आपको जो है यहाँ का इंटीरियर दिखाती हूँ, बड़ा अलग सा इंटीरियर है यहाँ का, पूरा लकड़ी का बनाया गया है। ऊपर देखेंगे आप पूरे बांस के जैसे लग रहा है कि कुछ किया गया डिज़ाइन। और मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे वेज थाली और उसमें बहुत कुछ है, तो बस एक बार थाली आ जाए तो फिर आप लोगों को भी बताती हूँ।
तो मेरी वेज थाली आ चुकी है और ये देखने में जो है बहुत अच्छा लग रहा है। इस थाली की कॉस्ट है 250 रुपीज़। तो बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है ये, मुझे थोड़ा मेहनत से मिला है। मैं काफ़ी ढूंढ रही थी यहाँ पे कि लंच करने के लिए कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए जिसके रिव्यू भी अच्छे हों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लंच। पहले मैं दिखाती हूँ कि इस थाली में है क्या क्या। इसमें है रोटी, सब्जी, ये गुलाब जामुन मीठे के लिए, पापड़, दाल मखनी, शाही पनीर, फ्राइड राइस, सैलड और साथ में लस्सी। धर्मशाला व मैक्लोडगंज की इस ट्रिप का लास्ट पार्ट हो सकता है पालमपुर का। धर्मशाला से लगभग 30 किलोमीटर दूर पालमपुर शहर एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। आज मैं आ गई हूँ पालमपुर शहर में। कई चाय के बागानों, धान की खेती, चारों तरफ जंगलों से भरा पालमपुर शहर हिमाचल का एक शांत और प्यारा सा हिल स्टेशन है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ये खूबसूरत शहर अपनी खूबसूरती के अलावा यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों और उनकी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में फेमस है। पालमपुर में घूमने के लिए कई बड़े चाय के बागान हैं। पालमपुर जाकर आप यहाँ का फेमस बैजनाथ मंदिर भी देख सकते हैं। यह मंदिर पालमपुर से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। मैं हूं अभी पालमपुर की एक खास जगह बैजनाथ शिव मंदिर में। ये पूरे हिमाचल प्रदेश का एक खास मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं। पालमपुर और बैजनाथ दोनों के डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूं, जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चाहें तो पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस ट्रैवल गाइड रिलेटेड या धर्मशाला मैक्लोडगंज ट्रिप से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।